हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंग्रेजी पाठशाला। दिस इज सारिका सिंह। इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ नाउन द जेंडर के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ नाउन द नंबर के बारे में, उसी का नेक्स्ट चैप्टर है नाउन द जेंडर। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जेंडर, जेंडर होता क्या है? द नाउन विच डिनोट्स फीमेल और मेल सेक्स, जिसके बेसिस पे आप क्या करते हो, मेल और फीमेल को डिस्क्राइब या डिटरमाइन करते हो, वो क्या होते हैं आपके जेंडर होते हैं। ठीक है, नाउन द जेंडर ये कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है आपका मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड फेमिनिन, थर्ड कॉमन एंड फोर्थ इज न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं मैस्कुलिन जेंडर के बारे में। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? मैस्कुलिन से आपको समझ में आ रहा होगा जो मेल को डिनोट करता है वो आपके क्या होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। आइए पढ़ लेते हैं। अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट डिनोट्स मेल पर्सन और एनिमल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, वही है, नाउन और प्रोनाउन जो क्या डिनोट करते हैं, या तो मेल पर्सन या मेल एनिमल को डिनोट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, मैस्कुलिन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, फादर है किंग, बुल, बॉय, राम, ही एटसेट्रा। हम मैस्कुलिन जेंडर के लिए क्या प्रोनाउन यूज करते हैं, ही। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फेमिनिन जेंडर की। अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट डिनोट्स फीमेल पर्सन और एनिमल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या कहता है, जो नाउन और प्रोनाउन किसको डिनोट करते हैं, फीमेल पर्सन या एनिमल को डिनोट करते हैं, वो क्या होते हैं आपके, फेमिनिन जेंडर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन, मेयर, मदर, क्वीन, शी एटसेट्रा। जैसे यहाँ पे मैस्कुलिन में हम मेल के लिए क्या प्रोनाउन यूज करते हैं, ही, इसी तरह से फेमिनिन या फीमेल के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करते हैं, शी। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर क्या होते हैं? अ नाउन और प्रोनाउन दैट डिनोट्स आइदर मेल और फीमेल पर्सन और एनिमल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होते हैं, जो आपके नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं, जो या तो मेल हो या फीमेल हो उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसमें हमें कॉमनली पता नहीं है कि या तो मेल है या फीमेल है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है पेरेंट, फ्रेंड, चाइल्ड, बेबी, आर्टिस्ट, टीचर, एनिमल एट्सेट्रा। अब पेरेंट है, पेरेंट बोलेगा तो या तो मेल के लिए बोल रहा है या फीमेल, यानी कि या तो मम्मी के लिए, पापा के लिए, या और भी कोई हो सकता है। ठीक है, फ्रेंड में भी आपको पता नहीं होता कि मेल है फीमेल है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम कॉमन जेंडर। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूट्रल जेंडर की। न्यूट्रल जेंडर बेसिकली हम बोलते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें हम न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट डिनोट्स अ लाइफलेस थिंग इज कॉल्ड अ न्यूट्रल जेंडर। वही है, जिनकी आप नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, चेयर, बुक, पेन, पेंसिल, पेपर एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कुछ मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर की, कि मैस्कुलिन का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, या मेल में हम उन्हें क्या बोलते हैं और फीमेल के लिए हम उनका क्या वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, एक टेबल दे रखी है, इसमें बताया है अलग अलग, बॉय को क्या बोलेंगे, गर्ल फेमिनिन में। ठीक है, फादर का क्या हो जाएगा, मदर, ब्रदर का सिस्टर, मैन का वुमेन, किंग का क्वीन, ग्रूम का ब्राइड, वेटर का वेट्रेस। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, आगे क्या है, नेफ्यू का नीस, सन का डॉटर, जेंटलमैन का लेडी या जेंटल लेडी भी होता है इसका, अंकल का आंट, बुल का काउ, फॉक्स का विक्सन, लायन का लायनेस, टाइगर का टाइग्रेस, बक का डो, बैचलर का स्पिनस्टर, हार्ट का रो, मॉन्क का नन, कॉल्ट का फिली। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रैंडसन का ग्रैंड डॉटर, लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी, पीकॉक का पीहन, एम्परर का एम्प्रेस, राम का ईव, स्पोक्समैन का स्पोक्स पर्सन, ड्यूक का डचेस, विजार्ड का विच, ट्यूटर का गवर्नेस, स्टैग का हेंड। ठीक है, ये सभी क्या है, आपकी एक टेबल है जिसमें आपको मैस्कुलिन बताया हुआ है, इनको मैस्कुलिन में यूज करते हैं, या मेल के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं और फीमेल के लिए हम फेमिनिन जेंडर के वर्ड्स यूज करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, या इस जेंडर का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसमें डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको मैस्कुलिन देके फेमिनिन के बारे में पूछ लेगा, या फेमिनिन देके मैस्कुलिन के बारे में पूछ लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक
नहीं है, बट कुछ क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं, तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी के टॉपिक्स हैं. सो थैंक यू, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी.